हैप्पी मॉर्निंग। तो आपने कैप्शन तो देख लिया होगा कि वीडियो किसके बारे में, किस चीज के बारे में है ना। लेपर्ड, लेपर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तेंदुआ, राइट, तेंदुआ बोलते हैं ना। तो लेपर्ड जो है साउथ दिल्ली में नजर आया है। इस बात को हो गया 5-6 दिन, ये सैनिक फार्म की बात है। और जो मेरे यहाँ वर्कर काम करती है ना, उसने मुझे इसकी स्टोरी बताई, क्योंकि वो उसी साइड पे रहती है, तो उसने मुझे सारा बताया। और मुझे वो 3-4 दिन से बता रही है बात, मैं भी डर रही हूँ सुन के, डर के मारे। पता आपको, रात को बालकनी में वॉक नहीं करती हूँ। जब मैं उस दिन वॉक करने गई भी ना, तो मेरे को डर था कहीं से लेपर्ड ना आ जाए। और अगर लेपर्ड आ गया तो मैं करूंगी क्या? यू नो, उस दिन तो आवाज भी निकलेगी, फोन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दिनों से है वहां पे, तेंदुआ बोलते हैं ना लेपर्ड को। तो क्या कुछ पकड़ में आया? नहीं आया, कुछ पता लगा? नहीं पता लगा। तो क्या पुलिस वुलिस है वहाँ पे? बहुत सारी पुलिस पड़ी है। अच्छा, पार्क के पास में आ गया। तुम्हारे वहीं पास में आ गए आदमी को, तो यहाँ से काटा था चांद में से भी, यहाँ से नेट पे देखा था। अच्छा, चांद पे ऐसे दौड़िया कर दिया, किया अटैक वहाँ पे। हाँ, पूरा खून से लग रहा था। 2-3 लोगों अटैक किए है ना, ये सुनने में आ रहा है। 2-3 लोगों को काट दिया उसने। तो अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा? अभी तक नहीं आ रहा वो। उसके लिए तो पुलिस भी बहुत पड़ी है। बहुत पुलिस लगी है वहाँ पे। अच्छा, बच्चों को तुम स्कूल भी नहीं भेज रहे हो तुम लोग इस चक्कर में, डर के मारे? और मैं भी स्कूल है ना। तो वहाँ सब लोग डरे होंगे फिर तो, तुम उस तरह। अब पता नहीं किसको काट सकता है, रोड पे भी आ सकता है, कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं लग रहा। This is a serious issue actually, जो सैनिक फार्म में लेपर्ड नजर आया लोगों को। इनफैक्ट अटैक भी किया उसने 3-4 लोगों पे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो टाइगर है ये मल्टीपल टाइम्स स्पॉट हुआ है जो रेजिडेंशियल एरिया है सैनिक फार्म्स का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सर्च ऑपरेशन भी वहाँ पे कर रहे हैं, यू नो, नेट ट्रैप्स लगाए हुए हैं, ड्रोन कैमराज भी यूज कर रहे हैं उसको कैप्चर करने के लिए, बट वो पकड़ में नहीं आ रहा। इस बात को 5-6 दिन हो चुके हैं। तो ये बहुत ही पैनिक वाली बात है। और एक्चुअली वहाँ के रेजिडेंट जो सैनिक फार्म के रेजिडेंट्स हैं और आसपास के लोग हैं, वो बहुत पैनिक भी हो रखे हैं इस बात से। ऐसा कहा जा रहा है कि वो असोला भाटी सेंचुरी जहाँ से वो आया है वहाँ पे वापस चला गया, उसने अपना रास्ता अपने आप ही ढूंढ लिया। और क्योंकि वो कहीं पकड़ में नहीं आ रहा, वहाँ के एक रेजिडेंट है उन्होंने ये भी बताया कि कल रात को उनके जो उनका पेट डॉग है वो रात को नॉन स्टॉप, मतलब ही वॉज बार्किंग, वो शोर मचा रहा था। और यू नो, वो फिर डर के मारे कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन जब नेक्स्ट डे देखा तो उनको पग मार्क्स मिले। आज की न्यूज़ में आ रहा है कि कर्नाटक में मायसूर में लेपर्ड के 3 कब्स जो हैं वो खेतों में उनको मिले हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उन्होंने हैंडओवर कर दिए हैं। चलिए, आराम से सो रही है। कोई मतलब नहीं है कि लेपर्ड आ रहे हैं नहीं आ रहे। सो लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि जो लेपर्ड है वो अपने घर वापस चला जाए, अपने जंगल वापस चला जाए, और वो भी आराम से रहे अपने घर में। और जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और जो पैनिक की जो हो रहा है सिचुएशन, ये जल्दी से ठीक हो जाए, है ना चेरी। और सब लोग जो डर रहे हैं बाहर निकलने से, वो आराम से बाहर निकल पाए, वॉक पे जा पाए, और बच्चे खेल पाए, और बच्चे स्कूल जाए जो मिस कर रहे हैं, है ना चेरी। तो बस अब निकलते हैं हम काम पे। दिखाओ मैंने क्या पहना है। और साथ में जैकेट, क्योंकि ठंड है तो जैकेट तो पहननी है। गाना सुनाओ कोई अभी, पता टिप्स पे कौन सा गाना आ रहा है मेरे, बताऊं? मुझे इसकी लिरिक्स ठीक से याद नहीं है, बट मैं फटाफट से, मैंने आ रहा है बस मुंह पे। ना मारेगी दीवानगी तेरी, ना मारेगी आवारगी तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी। So catch you later. आपको पता है लेपर्ड्स को पेड़ों पे बैठना बहुत पसंद है। लेपर्ड इज अ सॉलिटरी एनिमल, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दे आर वेरी पावरफुल, वो किसी पेड़ पर 15 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। दे आर एथलेटिक एंड वेरी फास्ट रनर्स, बहुत तेज भाग सकते हैं ये। और ये कुछ भी खा के सर्वाइव कर जाते हैं, मॉन्कीज, खरगोश, बर्ड्स, लिजर्ड्स, फिश, डॉग्स।